आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। सभी को नमस्ते। आस्था पर आपका स्वागत है। अभी तक हम चेतना या कॉन्शियसनेस पर अपनी चर्चा की है और अभी जारी रखेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि एक अवसर सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ। हमारे पिछले सत्र या सेशन में इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का वास्तविक ध्येय, एक उच्चतम संभावित स्तर की चेतना तक पहुँच जाना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी को हम चेतना का क्रम विकास या एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि हम कैसे और क्यों अपने शरीर को उसके विकास में मदद करने में असफल हो जाते हैं। शरीर सेहतमंद हो सकता है, साथ ही यह उम्र के साथ बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा की प्रकृति ऐसी है कि उसे परिपूर्णता या परफेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने आप ही परिपूर्ण है, परफेक्ट है। तब हम किसकी बात कर रहे हैं? चेतना, कॉन्शियसनेस। आज हम इस चेतना के विषय पर विस्तार से बात करेंगे। यह किन तत्वों से मिलकर बनी है और इसके विकास में हम कैसे मदद कर सकते हैं? चेतना की सरल परिभाषा है हमारी जागरूकता की सीमा। फिर से दोहराता हूँ, चेतना की सरल परिभाषा यही है कि हमारी जागरूकता की सीमा, यानी मैं किस हद तक जागरूक हूँ। इसका मतलब यह भी है कि मैं किस हद तक अनभिज्ञ भी हूँ, अवेयरनेस से जुदा हूँ। किस तरह से अपनी मौजूदा चेतना को उच्चतर स्तर तक, अधिचेतना या सुपर कॉन्शियसनेस, वहाँ तक ले जाकर अपनी अवचेतना या सबकॉन्शियस की गहराई में डूब जाना है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में जब वे कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है अपनी मौजूदा चेतना के स्तर को अधिक चेतना के आकाश में ऊंचाई तक उड़ान भरने देना और उसे अपनी अवचेतना की गहराई में डूबने देना, यानी चेतना के महासागर में डूबने देना। उन्होंने कही बात और यह भी कह सकते हैं कि हमारी मौजूदा चेतना इन दोनों विशाल महासागर, अवचेतना एवं अधिक चेतना, उसके बीच में दबी हुई है, फंसी हुई है, एक नैरो बैंड है। अतः योग के माध्यम से, योगिक अभ्यासों के जरिए हम इस चेतना को विस्तार में समझ सकते हैं। हम चेतना के साथ काम करते हैं। अंत में हमें इस चेतना के भी परे जाना है, लेकिन इस विषय को हम किसी और दिन लेंगे। आइए अब देखें कि चेतना किन तत्वों से मिलकर बनी है। संस्कृत में इसे चित्त भी कहा जाता है। मनस, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है अपना चित्त। अब जब हम इसे विस्तार से देखते हैं कि मनस के विकसित होने पर उसका क्या हो जाता है, बुद्धि के विकसित होने पर वह किस चीज में बदल जाती है, और अहंकार का विकास होने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है। जब हम ध्यान करते हैं, खासकर हार्टफुलनेस वे, जहां हम योगिक प्राणाहुति की मदद से ध्यान करते हैं, तब हम इस कल्पना के साथ शुरू करते हैं कि मेरा हृदय दिव्य उपस्थिति से भरा हुआ है, या हम ध्यान करने से
ठीक पहले यह सुझाव देते हैं कि मेरा हृदय दिव्य उपस्थिति के स्रोत से भरा हुआ है, जो मुझे भीतर की ओर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो हम एक साधारण विचार से महज एक संकल्प, महज एक सुझाव, एक प्रार्थनामय सुझाव से शुरुआत करते हैं। अब यदि यह विचार बस एक ही विचार ही बना रहे और मैं इस एक मंत्र की तरह बोलता रहूं, तो मैं उसे दोहराने में ही लगा रहूंगा, उसी विचार पर अटका रहूंगा, तो मन कहीं नहीं जाएगा, वह एक विचार के साथ व्यस्त होगा, मन इसमें उलझ जाता है, फंस जाता है, वह आदतन अपनी अचेतन प्रक्रिया में फंसा रहता है। हमारे मन को हमें उस उपस्थिति को महसूस करने देना चाहिए। महसूस, वह उपस्थिति जिस पर हम ध्यान करते आ रहे हैं, उनकी महसूसी, ताकि जब मैं अपने हृदय में मौजूद दिव्यता पर ध्यान कर लूं, तब मैं दिव्यता के उस सार को भी महसूस कर सकूं। दिव्यता का वह सार क्या है? परम शांति, संपूर्ण प्रेम। यह एकदम से पैदा होने की बजाय धीरे धीरे विकसित होता है और फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि इसके लिए भी कुछ हद तक सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हमने उस परम मौन, परम शांति की अनुभूति करने और समझने की क्षमता को खो दी है, इसलिए मौन शांति हमें मिलने वाली समाधि तुल्य अवस्थाओं की मात्रा को हमारी सहनशीलता, स्वीकार्यता और पवित्रता के स्तर से मेल बैठाना होगा। पवित्रता जितनी ज्यादा होगी, हम उतना ही अधिक गहराई में डूब जाएंगे। मैं फिर से दोहराता हूं, पवित्रता जितनी ज्यादा होगी अपने हृदय में, हम उतना ही अधिक गहराई में डूब जाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, वैसे वैसे हम मूल विचार कि मेरे हृदय में दिव्यता मौजूद है, इससे धीरे धीरे आगे बढ़कर उसी ध्यान में उस दिव्यता की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। यानी हम सोचने से महसूस करने की ओर जाते हैं। सोच एक साइड रह जाती है, अभी महसूस ही होने शुरू हो जाता है। इसको हम प्रगति कहेंगे। इस तरह से हम अपने मन को हृदय की ओर अधिक उन्मुख होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हम प्रतिक्रियात्मक मन से ग्रहणशील हृदय की ओर जाते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक मन से ग्रहणशील हृदय की ओर जाने की यह यात्रा अद्भुत है। हमें सालों साल या अगले जन्म के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम यही और अभी महसूस कर सकते हैं, और यह हार्टफुलनेस वे है ध्यान की पद्धति में योगिक प्राणायाम की मदद से मुमकिन है, एक सहज हो जाता है। हार्टफुलनेस वे ध्यान पद्धति योगिक प्राणायाम के माध्यम से हमें अधिचेतना में ऊंची उड़ान भरने में मदद करती है। अधिचेतना एक एहसास है, इसे महसूस किया जा सकता, इसका विचार नहीं किया जा सकता। मैं अधिक चेतना में रहते हुए अपने विचार को गढ़ नहीं कर सकता। मैं अधिचेतना में रहते हुए अपने विचार को गढ़ नहीं कर सकता। चेतना के साधारण स्तर पर आप अपने विचारों के साथ खेल सकते हैं। आइए अब अगले बिंदु पर चलते हैं। सूक्ष्म शरीर, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, विकसित होने पर इस बुद्धि का क्या होता है, मैं आपको
व्यापार जगत से सोचने और महसूस करने के बीच के अंतर का उदाहरण दो। आइए सोचने और महसूस करने का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि इस तरह से एक तर्कशील मन हृदय पर भरोसा रखने में, हृदय की प्रतिक्रियाओं में, हृदय को महसूस करने में विकसित होता है। हमने खासकर आदमियों में इस बात पर गौर किया है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने फार्मेसी के क्षेत्र में व्यापार किया है। जब कभी मैं लंबे समय तक किसी व्यापार संबंधी उलझन में होता तो महीनों तक मैं उसके बारे में सोचता रहता। तब मेरी माँ या मेरी पत्नी मुझे परेशानी में देखती, इन्हें क्या हो गया पूछती, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। फिर कुछ महीनों बाद जब उनसे सब्र का बांध टूट जाता तो वे मुझसे आकर पूछती, आपको क्या बात है, क्या परेशानी है, अब कुछ अलग रहते हैं। और जब मैं अपनी परेशानी उन्हें बताता हूँ, जिस पर मैंने 2-3 महीनों तक सोच विचार किया था, तब मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो हल या उसका सॉल्यूशन बता देती थी। मैंने अक्सर ऐसा होते हुए देखा है। बहनों के सोचने का तरीका अलग होता है, वे काफी उन्नत होती है और चीजों की महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण वे तुरंत ही किसी चीज का हल निकाल लेती है, जबकि आदमी उस परेशानी पर सोच विचार करता ही रहता है, भले ही उसका हल या सॉल्यूशन उनकी आंखों के सामने ही हो, लेकिन वह हल या सॉल्यूशन उसे नजर नहीं आता। तो यही अंतर है सोचने और महसूस करने में, तर्कशील मन और संवेदशील हृदय। अतः हार्टफुलनेस वे पद्धति में ध्यान के जरिए हम सोचने से आगे बढ़कर महसूस करने की ओर बड़ी आसानी से सहज भाव से बढ़ते जाते हैं। तो अब तक हमने समझ लिया कि जैसे जैसे मनस विकसित होता जाता है, वह सोचने से महसूस करने की ओर जाता है। यह हमारी चेतना के विस्तार में योगदान देता है। जैसे जैसे हम अपने सत्रों में आगे बढ़ते जाएंगे, हम सारांश रूप में इन बातों को दोहराएंगे। जैसे जैसे हम विकसित होते जाएंगे, योग या फिर ये आध्यात्मिक अभ्यास करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि में क्या परिवर्तन आएगा। आस्था पर अगले रविवार को हम बुद्धि के क्रम विकास का यह विषय लेंगे, लेकिन आज हमेशा की तरह आइए अपने हृदय में केंद्रित होकर इस विचार के साथ कि ध्यान में बैठा हुआ हूँ, मेरे हृदय में दिव्यता मौजूद है और यह ईश्वरीयता जो मेरे भीतर है वो हमें आकर्षित कर रही है। आइए तो ध्यान शुरू करते हैं। ध्यान शुरू
बस कीजिए, दैट्स ऑल। तभी कुछ सवाल जवाब होएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन। दिल्ली से हैं भाई श्री अमरजोत सिंह का पूछना है कि ध्यान का लक्ष्य क्या है, इतने साल ध्यान करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। सोचिए कि वैसे तो हर आदमी ध्यान करता ही रहता है, किसी का मन पैसे कमाने में है, उनका मन उनके विचार एक दिशा में चल रहे हैं, कोई किसी के भ्रम में है, वो हमेशा उनके बारे में सोच रहे हैं, उनका पूरा मन उन पे फोकस है, केंद्रित है। जब हम आध्यात्मिकता में ध्यान करते हैं वो ईश्वरीयता की ओर हम पूरे प्रेम से, दिल से, हृदय की चाहत से उनकी ओर अपना अटेंशन फोकस करते हैं। जैसे जैसे अपना स्नेह, प्रेम, लगाव, श्रद्धा ईश्वर की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे ध्यान में हम डूबते रहते हैं। ध्यान से अपनी वीकनेसेस जो है, अपनी क्षमता जो है, लिमिटेशंस है, वो खत्म हो जाते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि क्या अभी नेक्स्ट करना है या नहीं करना है, अच्छे क्या चीज़ है, बुरा क्या चीज़ है, फायदेमंद क्या है, बुरा क्या है, कारण क्या है और उसका परिणाम क्या है, ये सब हमें सिखा देता है। जो कहा जाता है ना, जो आदमी काम करने से पहले एकदम सचेत हो जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, उसको वाइज मैन कहते हैं, उनकी बुद्धि आगे में बड़ी होती है। जो आदमी मेडिटेशन कर रहा है उसको पहले से ही पता चलता है कि काम करने से पहले उसका परिणाम क्या आएगा, क्या हम ये नहीं चाहते कि अगला जो काम करने में जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, जिंदगी में जो भी डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, उससे पहले आधा घंटा बैठ के देखो, ध्यान करके देखो कि अगला काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो सफलता की ओर होगा या उसका परिणाम बुरा होगा। ध्यान के बहुत फायदे हैं, दीज आर वर्ल्डली, मच मोर देन वर्ल्डली बेनिफिट्स, आई कंसिडर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के बारे में तो क्या बात करें, आप खुद करके देखो और देखो कैसा मजा आता है जिंदगी में। थैंक यू, नमस्कार। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम सिस्टर मुक्ता सक्सेना, मुंबई सेंटर। मेरा परिवार बहुत धार्मिक है, वो तो अच्छी बात है, रोज मूर्ति पूजा में बहुत समय लगाती, क्या ये मेरे ध्यान को और अच्छा बनाएगा या ध्यान मेरी मूर्ति पूजा को अच्छा बनाएगा। ऐसा कुछ बुरा तो नहीं है कि आप पूजा कर रही हो, मूर्ति पूजा कर रही हो। मूर्ति पूजा कैसे की जाए, जब हम अपने दिल से सोचते हैं कि ये मूर्ति जो है मेरे सामने है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है, ये जो फॉर्म है वो ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, वो ईश्वर नहीं है। जो भी फॉर्म हम देते हैं चित्र में या मूर्ति में, वो तो हमारी इमेजिनेशन से बना हुआ है बहन। तो हमारी प्रार्थना हमेशा यही होनी चाहिए कि ईश्वर मैं आपका अनुभव करना चाहती हूँ, आप जैसे भी हो,
जब हम मूर्ति के साथ लगाव लगा लेते हैं और उसको ही रूप समझ बैठते हैं, यदि ईश्वर भी सामने आ जाए तो हम चाहेंगे कि वो मूर्ति जैसे नहीं लगता है और हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, तो वहाँ थोड़ा परिणाम आएगा। सही में देखा जाए जो अपना वैदिक पीरियड था, उस समय लोग ईश्वर की अनुभूति डायरेक्टली कर लेते थे, उनको कोई प्रतिबिंब की जरूरत नहीं थी, कोई फॉर्म की जरूरत नहीं थी, वो सीधा फॉर्मलेसनेस निराकार की ओर पहले से ही आगे बढ़ चुके थे। इसलिए वो वैदिक काल में कोई मंदिर भी नहीं था, कोई मूर्ति भी नहीं थी। ये इंट्रोडक्शन हुआ बाद में मूर्ति पूजाओं का, मंदिरों का, जब जब लोग भूलने लगे ईश्वरीयता क्या है तो उसका प्रतिबिंब लगाने लगे, और उसकी वजह से वो प्रतिबिंब से आगे जाने की चेष्टा बाद में दिल में होती है। अभी तो हम कोई आकार या मूर्ति पे ध्यान लगा रहे हैं, पूजा करते हैं, पर एक सीमा आनी चाहिए कि हम आकार से निराकार की ओर जाएं और उसके आगे भी जाने की कोशिश करें। तो I hope I was able to answer your question. So, my dear friends, अगले संडे फिर से मिलेंगे।